ऑलराइट देखो, जब भी मैं कहता हूँ कि वी विल वेट फॉर 1 मिनट, तो एक आदमी जरूर गायब हो जाता है, एक या दो आदमी जरूर गायब हो जाता है, कोई ज्वाइन करता नहीं है, लेकिन एक आदमी जरूर गायब हो जाता है, प्रथा। ठीक है, एनीवेज यहाँ पर जो है हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, इकोनॉमिक्स। ऐसे इकोनॉमिक्स करके कुछ होता नहीं है, सिलेबस में क्या दिया हुआ, इंडियन इकोनॉमी 2021 से लेके 2023 के बीच में। ठीक है, 2023 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग अभी देखेंगे। द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या ये बात सच है? दिस इज द 2021 पेपर दैट वी आर टॉकिंग, कि गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और कौन होगा? देखिए, एक चीज आप वहां सोच सकते हैं बैठ के, मान लिया कि नहीं याद आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट करता है कि नहीं करता है, तो आप सोचिए और कौन करेगा, क्या स्टेट करेगा? क्या स्टेट करेगा? नहीं, या पार्लियामेंट करेगा, या जुडिशरी करेगा, या प्रेसिडेंट करेगा? इन सारे सारे में से आपको समझ में आ जाएगा हाउ अपसर्ड इट विल बी, हाउ अपसर्ड इट विल बी। देखिए, एक चीज होता है, क्या आरबीआई का गवर्नर का पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। अब मैं यहां लिख दूं कि गवर्नर ऑफ आरबीआई इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, विल दैट बी करेक्ट? दैट विल बी रॉन्ग, यस दैट विल बी रॉन्ग ना। अब यहां पर आपको मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, एग्जाम के प्रेशर में आप उसको भी डाउट करने लगेंगे। यहां पर बैठ के बहुत आप आराम से कह सकते हैं बिकॉज यू नो दिस थिंग, बट आई कैन टेल यू दिस फॉर अ फैक्ट दैट एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में इसको भी, इवन दिस विल बी डाउटफुल फॉर यू, एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू दैट डू नॉट नेवर इन एनी केस डाउट योर सेल्फ। पढ़ा है तो वो सही पढ़ा है, ठीक है, धड़ल्ले से रॉन्ग बताइए, वहां पर डाउट करने का सवाल ही नहीं है। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, ये कहां से मुझे पता चला? मेरे पास तो कोई 15-20 साल के एक्सपीरियंस नहीं है ना कि 10,000 एस्पिरेंट से मैं बात करूंगा, आप ही की तरह मैं भी एस्पिरेंट हूं, है ना? सो हाउ डिड आई कम टू नो, सी द सेकेंड स्टेटमेंट, सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इश्यू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट, तो मुझे पता है कि दिस इज करेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, तो पहली बात ये करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इश्यू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये मैंने जब स्टेटमेंट देखा था, मैंने अपने आप से बोला, यार मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पूरी पढ़ी है, आई हैव रेड द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, आई हैव रेड द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो मुझे कहीं दिखा नहीं, बट द एग्जाम रूम प्रेशर वॉज सच दैट मैं ये सोचा कि कहीं मेरे से मिस हो गया होगा, दिया जरूर होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट द रेंज बिटवीन आर्टिकल 110, 110 टू 121, मुझे लगा कि वहीं पर छुपा होगा, मुझे वहां पर क्या लगा, वहीं पर छुपा होगा, मैंने इसको करेक्ट मार दिया। मैंने क्या किया, इसको करेक्ट मार दिया, द आंसर इज रॉन्ग। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है, कहीं पर भी नहीं आया है, तो धड़ल्ले से बोलिए, प्लीज से इट विथ कॉन्फिडेंस दैट ओके दिस इज नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आई हैव रेड द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन।
बिकॉज वहां पर देर विल यू विल बी अलोन। वहां पर आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कोई आदमी या कोई पेरेंट्स या कोई फ्रेंड प्रेजेंट नहीं होगा। ओके तो ये चीज समझ में आ गया। इट इज द आरबीआई एक्ट विच गिव्स द पावर टू इश्यू डायरेक्टिव्स टू द आरबीआई एंड पब्लिक इंटरेस्ट। तो आरबीआई एक्ट से गवर्नर का पोजीशन बन रहा है। डू यू नाउ अंडरस्टैंड? इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, आरबीआई एक्ट से बन रहा है, स्टैट्यूटरी पोजीशन है। मैं बोल सकता हूं इट इज ए स्टैट्यूटरी पोजीशन। तो क्या स्टैट्यूटरी पोजीशन को पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट चुनेगा? स्टैट्यूटरी प्रोविजन को, जो जुडिशियरी और स्टेट गवर्नमेंट तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, डायरेक्ट इलेक्शन आउट ऑफ क्वेश्चन है, तो एक स्टैट्यूटरी है ना एग्जीक्यूटिव चुनेगा। कॉमन सेंस है, कैन यू नाउ कनेक्ट? देखिए बनाना तो बहुत आसान है। अभी मैं आपको ना 15 मिनट के अंदर मैं 10 साल के पेपर सॉल्व करके आपके हाथ में दे दूंगा। 15 मिनट्स इट विल टेक मी, मैक्सिमम 20 मिनट्स। बट डू यू थिंक दैट इट विल बी फ्रूटफुल? अगर हम लॉजिक नहीं समझे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या कैसे स्टेटमेंट्स को देखना है। आई होप यू आर एबल टू गेट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड यू नो डूइंग दीज काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। And the governor of the RBI draws his power from the RBI Act. Is it correct? यहीं पर UPSC ने आपको हेल्प कर दी कि RBI Act लिखा हुआ है, तो now you can know central government. Okay, लेकिन इतने ना हम प्रेशर में हैं, पूरे दुनिया का बोझा लिए हुए हैं। पापा को क्या जवाब देंगे, मम्मी को क्या जवाब देंगे? पापा ये बहुत अपने दोस्तों से बोल दिए हैं, अब मैं क्या करूं? उसमें सिंपल चीज नहीं हो पाएगी। ओके ट्रस्ट मी, अ पर्सन हु डजंट हैव दिस बोझा, वो सिर्फ गया है एज एन एग्जामिनेशन, 10 एग्जामिनेशन देता है, उसमें से 4 स्टेट PCS, 5 SSC वगैरह, और उसमें से 1 UPSC है। ही विल डू मच बेटर देन यू। अगर आप जा रहे हैं कि यही मेरी लाइफ है और ये मेरा वो है मान सम्मान, ठीक है, यहां पर यूपीएससी का छुपा रहता है, आपको बस यूपीएससी का हिंट्स वगैरह जो है छुपा रहता है। यू कैन नॉट कैच दोज क्यूज, यू कैन नॉट कैच दोज क्यूज CUES अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ फ्री माइंड। सो आई एम अज्यूमिंग दैट इन द नेक्स्ट 40 डेज यू पीपल आर गोइंग टू हैव अ फ्री माइंड। आंसर क्या है? दिस इज ट्रू एंड दिस इज रॉन्ग। ओके तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3। तो ये उस समय का दौर था जब पेयर्स वाला क्वेश्चन नहीं आता था। अब क्या आएगा? ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर एंड नन। विथ रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहां देखिए, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ओके All casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. The government can by notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank. Second statement देखिए, सबसे commonsensical statement आपको देखना है। Second statement, all casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. तो अगर आप काम एक्स्ट्रा करा रहे हैं या पैसा कम दे रहे हैं तो क्या वो आप लीगली कर सकते हैं? क्या आप वो लीगली काम कर सकते हैं? दैट इज द थिंग। पॉसिबल है लीगली किसी को अंडर पे करना? द आंसर इज नो, दिस इज ट्रू। ऑल कैजुअल वर्कर्स जो है तो यहां पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 2017 लगेगा। तो व्हाट विच ईयर इज दिस 2021 का पेपर, में पेपर के बारे में पूछ रहा हूं। और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कब आया था? 2017 में।
और उसमें लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गजेट स्पेसिफाई कर सकता है किसी भी इंडस्ट्रियल या अदर एस्टैब्लिशमेंट को कि एम्प्लॉयर जो है, ओके, एम्प्लॉयर जो है वो जो है आपका पैसा वगैरह, ऑलराइट, वो जो है आपका पैसा वगैरह एक तो किसी बैंक अकाउंट में डालेगा, ओके, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, ये जो अगर आप देखिएगा एक और एक्ट आया है, देर वॉज द मिनिमम वेजेस रूल। अंडर द मिनिमम वेजेस रूल यू आर एंटाइटल्ड टू ओवर टाइम, ओके। और यहां पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखिए, दिस इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू, थर्ड इज ट्रू। थर्ड क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट कैन बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टैब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे द वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट, ओके। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर 2017 के अंदर ये आता है। तो हाउ फार इट इज 2017, ध्यान से सुनिएगा, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का ये स्टेटमेंट था वर्ड टू वर्ड। तो हाउ फार इज इट, 4 इयर्स, 5 इयर्स बैक। तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई डिड आई गिव यू 2019 से का बेयर एक्ट, व्हाट वाज द रीजन व्हाई आई गिव यू 2019 का बेयर एक्ट, ओके। नाउ यहां पर देखिए, फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कवरेज। सो जो प्रोविडेंट फंड एक्ट होता है 1952 का, ओके, उसमें क्या रहता है, ओके, उसमें क्या रहता है कि दिस इज, मतलब वहां पर जो है, ओके, उस सब उसमें उसके हिसाब से ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑलराइट, ओके, उसके हिसाब से इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें सर्टेन आपको ये रहता है, सर्टेन, व्हाट डू आई से, सर्टेन क्वालिफिकेशंस मेंशनड है, सर्टेन क्वालिफिकेशन मेंशनड है। आपके घर में जो मेड काम करती हैं, 2 से 3 हजार रुपए लेके जाती हैं, तो वो उनको मिलता है क्या प्रोविडेंट फंड, उनको मिलता है क्या प्रोविडेंट फंड, डू यू गिव हर द प्रोविडेंट फंड, यू डू नॉट गिव। तो देखिए यहां से कॉमन सेंस की बात है कि नहीं होना चाहिए, ओके, ऑलराइट, आपको जो है नहीं होना चाहिए। कैजुअल वर्कर का मतलब होता है टेम्पररी वर्कर, जिसको आपने बोला कि अश्विन इधर आप मेरे घर पे काम करोगे आप, तो बोला हाँ जी करूंगा, क्या क्यों नहीं करूंगा, तो अच्छा ठीक है आज हाथ लगा दे, 600 रुपये 800 रुपये लेके जा, बोलते हैं ना सर। तो ये क्या है आपका ईपीएफ एक्ट में, इनमें जो है एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, अगर आप जो है इफ यू आर एम्प्लॉयड थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, अगर आप एंगेज्ड एज एन अप्रेंटिस, अप्रेंटिस आप समझते हैं है ना, तो फिर वो जो है आपको वहां पर आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं। तो आई होप दिस इज रॉन्ग, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, 2 एंड 3 ओनली, डिड यू गेट द पॉइंट, ये मिनिमम वेजेस रूल 1950 और दिस इज अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, और ये जो है प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर गलत होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके नॉलेज से बन ही नहीं सकता, दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व बाय योर नॉलेज। डू यू थिंक दैट समबडी हैज द टाइम, समबडी हैज द यू नो कैपेसिटी टू रीड यू नो एक्ट्स फ्रॉम द 1950s एंड द 60s, इवन योर टीचर्स, इवन योर यू नो बिग बिग टीचर्स दे डू नॉट हैव, वो भी गूगल का सहारा लेते हैं, 5 लोगों की टीम होती है, गूगल करते रहते हैं, उसके बाद आके चौड़े बनते हैं, ये आपको तो पता होना चाहिए था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो पहली बात है कि यहाँ समझो कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या सारे कैजुअल वर्कर्स, कॉमन सेंस है, थोड़ा सा आप काम एंड कलेक्टेड रहिएगा तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लगाइएगा कि क्या सारे कैजुअल वर्कर्स
आर दे एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कवरेज। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इस समय अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अंग्रेजी समझो, स्किप बाद में करो, स्किप जब करो कि आपका बहुत समय खा रहा है, पहले अंग्रेजी समझो कहना क्या चाह रहा है। इतना ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि अंग्रेजी ही नहीं आप समझ सकते इसकी। सबसे पहले बैठ के अंग्रेजी समझिए कि बोल क्या रहा है। कैजुअल वर्कर्स कौन होता है? कैजुअल वर्कर्स, ओके, अच्छा, टेम्पररी वर्कर्स होते हैं, ठीक है। उनको क्या इंटाइटल्ड है? क्या वो ईपीएफओ के लिए इंटाइटल्ड है? नहीं यार, मेरी मम्मी स्कूल में काम करती हैं, उनकी सैलरी जब 18,000 थी तब नहीं था, अब जब उनकी सैलरी 35,000 है तब उनको मिलता है। ऐसे सोचिएगा तब जाके आपका होगा। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। तो यहां पर एक स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी बता रहा है कि नहीं, दैट ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर व्हाट? रेगुलर वर्किंग आवर्स। तो यहां पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत एक अच्छी चीज बता रहा हूं, समझ में अगर आपको नहीं आ रहा है तो ऑल कैजुअल वर्कर्स आर नॉट इंटाइटल्ड करके पढ़ो और फिर देखो कि क्या ये स्टेटमेंट सेंस बना रहा है। क्या तुम डिनाई कर सकते हो बेसिक चीज? क्या ये फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं हो जाएगा आर्टिकल 23 का? आर्टिकल 23 का वायलेशन आर्टिकल 21 का वायलेशन बेगार जैसा हो जाएगा। बेगार बेगार इज नॉट अलाउड। तो ये चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है। और फिर थर्ड वाला, अब चलो मान लो सेकंड वाला मैंने कर दिया है तो ये मेरा हट जाएगा, ओके, और फर्स्ट वाला हट जाएगा तो मेरे पास पता चल जाएगा सेकंड एंड टू एंड थ्री ओनली। अगर तब भी नहीं आ रहा है तो स्किप कर दो, कोई शर्म की बात नहीं है या कोई ईगो की बात नहीं है, स्किप कर दो, दूसरे क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। बट ये आपको थॉट आपको समझ में आया? ये थॉट आपको समझ में आया कैसे होता है? अब यहां पर आप देखिए ऑल है, यहां पर भी देखिए ऑल है, यहां पर ओनली है, तो प्लीज डू नॉट जंप, ओके, प्लीज डू नॉट जंप ऑन द एलिमिनेशन टेक्निक इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ये मेंटरशिप आजकल कौन दे रहे हैं? मेंटरशिप पीपल आर गिविंग जो कि 2010 से लेके 2019 तक के प्रीलिम्स को क्वालिफाई किए हैं। नाउ दे हैव यू नो दे वर नॉट एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन सो दे हैव ट्रांजिशन एज अ मेंटर एंड दे आर सेइंग प्रीलिम्स तो बहुत इजी है, मैंने सारे प्रीलिम्स निकाले। आई हैव क्रैक्ड 5 प्रीलिम्स, आई हैव क्रैक्ड 6 प्रीलिम्स, बट द रियालिटी ऑफ 2021 से 2023 इज टोटली डिफरेंट, ओके। सो प्लीज अवॉइड दोज पीपल हु टेल यू कि यहां ओनली है तो काट देना, ऑल है तो काट देना, ऑल है तो काट देना। तो फिर आंसर तो बचा ही नहीं ना कुछ, आंसर तो बचा ही नहीं कुछ, तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा, ओके, उस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि पहले इंस्टेंस पे जंप नहीं करना है। आफ्टर यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल काइंड्स ऑफ कॉमन सेंस और आपको दो स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो रहा है कि मैंने कॉमन सेंस लगा दिया है, आधा चीज समझ गया, अब क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, कोई डेटा दिया है जिसको मैं निगेट कर सकता हूं, 60%, 3.2%, इस टाइप की चीजें कहीं लिखी हुई है? यू अंडरस्टैंड? क्या ये चीज आपको समझ में आई? ऑलराइट, सो आंसर क्या होगा इसका? 2 एंड 3 इज द आंसर, फर्स्ट इज रॉन्ग। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन? अब यहां पर बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी, दिस इज ए फुल टॉस बॉल, इस पे छक्का नहीं मारोगे तो किसी पे छक्का आप नहीं मार सकते हो, लेकिन यहां पर आउट भी हो सकते हो। तो बहुत प्यार से समझना है कि इकोनॉमिक रिसेशन है क्या। इकोनॉमिक रिसेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या होता है? डाउन जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? डाउन जाता है। तो डाउन जाएगा तो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बढ़ता है? पैसा काट के कि पैसा इन्फ्यूज करके? पैसा
पैसा आप कटौती करोगे पैसे में कि इन्फ्यूज करोगे? इन्फ्यूज करोगे तो क्या कट इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट? तो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट से पैसा इन्फ्यूज होगा सिस्टम में? विल द पीपल बी इंसेंटिवाइज टू टेक लोन्स? द आंसर इज नो, तो ये कट जाएगा। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, तो यहां पर क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में द आंसर इज यस। इसको हम लोग रखेंगे, पूरा पढ़ेंगे हम लोग। इंक्रीज इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, तो इंक्रीज इन टैक्स रेट क्या कर रहा है? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए है कि इकोनॉमिक रिसेशन कंट्रोल करने के लिए? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए है या इकोनॉमिक रिसेशन कंट्रोल करने के लिए? ठीक है, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। नाउ दोनों को आप कंपेयर करो साइड बाय साइड, एक से क्या हो रहा है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, और सेकंड वाले से क्या हो रहा है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डाउन जा रहा है। रिसेशन के समय क्या प्राइवेट सेक्टर टेकअप कर सकता है प्रोजेक्ट्स? क्या प्राइवेट सेक्टर रिसेशन के समय नहीं कर सकता है? प्राइवेट सेक्टर इज इटसेल्फ स्ट्रगलिंग, तो गवर्नमेंट स्टिम्यूलस देती है कि नहीं? सरकार स्टिम्यूलस पैकेज अनाउंस करती है कि नहीं? तो व्हाट इज द स्टिम्यूलस पैकेज? इट इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स एंड गवर्नमेंट सपोर्ट टू वेरियस इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ पीएलआईज, इन द फॉर्म ऑफ बेलआउट पैकेज, है कि नहीं? तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, स्टिम्यूलस कैसे होता है? स्टिम्यूलस इज लाइक, मान लिया कि आप बहुत ज्यादा ओवर बर्न आउट हो गए पढ़ाई करते करते, तो आपकी मम्मी या पापा आपको ले जाके आइसक्रीम खिला रहे हैं, बाहर जाके आपको आइसक्रीम खिला रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है फिर से रिचार्ज हो गए, तो वही करना चाहता है। क्या बता, ए ऑप्शन फिर से मैं बता देता हूं आपको, यहां क्या लिखा हुआ है? कट इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाई इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो जब आप कट करेंगे टैक्स रेट को, तो एक अच्छी चीज होगी, दिस इज अ गुड गुड स्टेप, जहां पर पैसा हाथ में देने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अकम्पनीड बाई इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। तो जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाइएगा तो लोन एक्सपेंसिव होंगे कि नहीं? द पीपल विल नॉट बी एबल टू टेक लोन्स, द पीपल विल नॉट बी एबल टू टेक लोन्स। सो क्या ये फीजिबल है? जब लोन एक्सपेंसिव हो जाएगा तो फिर मनी सप्लाई कम हो जाएगा, पीपल विल नॉट बी टेकिंग लोन, सो इट विल बी डबलिंग डाउन ऑन वट एवर हैज कॉज द इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन क्या हो रहा है? डिक्लाइन इन जीडीपी फॉर टू कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स, उसको हम क्या बोलेंगे? टेक्निकल रिसेशन आ रहा है, और उसके बाद फ्रॉम द थर्ड क्वार्टर्स हम क्या बोलेंगे? रिसेशन आ गया। इंडिया कभी गया था टेक्निकल रिसेशन या रिसेशन? इंडिया कभी टेक्निकल रिसेशन में गया था? कोरोना के समय याद, दो बार लगातार हम -23% क्वार्टर्स में हमने दिया था जीडीपी ग्रोथ रेट। अमेरिका ने भी दिया था -37 -9 ऐसे करके, है ना। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि हर चीज अनचेंज्ड है, आपको सिर्फ बताना है कि एक परफेक्ट कंडीशन में मार्केट डिमांड, मतलब लोग डिमांड कब करेंगे फॉर अ गुड, वो इंक्रीज कब होगा। तो यहां पर देखिए कि सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे, याद होगा आपको, पॉलिटी की क्लास में, तो मैंने वहां पर आपको डिफरेंस बताया था सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट का। मोशंस में बात कर रहे थे, अगर आपको याद होगा, मोशंस में बात कर रहे थे ना, तो सब्स्टिट्यूट मतलब इट विल रिप्लेस समथिंग विच विल रिप्लेस, और कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके साथ आता है। जैसे रैकेट जो होता है ना, डू यू नो व्हाट इज अ रैकेट? बैडमिंटन रैकेट, उसके साथ जो शटल कॉक कॉर्क आता है, तो जो शटल शटल कॉर्क है, दैट विल बी व्हाट? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री, साथ साथ आता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे ब्रश के साथ टूथपेस्ट, ब्रश का बिक्री बढ़ेगा तो टूथपेस्ट का बिक्री बढ़ेगा। ओके,
द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, ओके एंड इट्स प्राइस फॉल्स। तो सबसे पहले देखिए, अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज होगा तो बिल्कुल मार्केट डिमांड जो है, सब्स्टिट्यूट का डिमांड जो है आपका इस पे चला जाएगा, ओरिजिनल वाले पे चला जाएगा। अभी ऐसे समझिए कि मान लिया कि ऑल्टो, सेंट्रो, और मान लो कि कोई एक और कार है, लेट अस से कॉमेट, ये तीन कार है, ये तीनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है कि नहीं? ये तीनों एक दूसरे के सब सेम कैटेगरी की कारें हैं, छोटी कारें है कि नहीं? अब मान लिया कि ऑल्टो और कॉमेट का प्राइस बढ़ गया, एंड पीपल आर, पहले क्या होता था, पीपल ऑल्टो भी खरीदते थे, सेंट्रो भी खरीदते थे, कॉमेट भी खरीदते थे, बट ऑल्टो कॉमेट का प्राइस बढ़ा दिया गया, तो क्या पीपल विल नॉट फॉलो, फ्लॉक टू सेंट्रो? सेंट्रो डिमांड में चला जाएगा, है ना? मान लो कि देर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, और उसमें से एक मुझी का भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एवरीबडी इज चार्जिंग 60,000 रुपीज एंड मुझी इज ओनली चार्जिंग 4,000, सो वोंट द स्टूडेंट्स फ्लॉक टूवर्ड्स मुझीज कोर्स, है कि नहीं? तो सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट जो चीज रिप्लेस करेगी, जो चीज रिप्लेस करेगी वो जो है आपका बिल्कुल होगा ये आंसर, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। अब देखिए, शटल कॉक है, मैंने एग्जाम्पल दिया, और मैंने बैडमिंटन रैकेट का एग्जाम्पल दिया, अगर बैडमिंटन रैकेट का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग शटल कॉक क्यों खरीदेंगे यार? कॉमन सेंस की बात है ना, जब बैडमिंटन का प्राइस कम होगा तो शटल कॉक भी का डिमांड बढ़ेगा। वाई? बिकॉज पीपल अगर बैडमिंटन रैकेट खरीद रहे हैं तो उसके साथ शटल कॉक जरूरी है, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा। गुड इज एन इंफीरियर गुड, देखिए ये चीज होता है ना कि कभी भी जब पैसा बढ़ जाता है ना, तो मान लिया कि आपके आपकी सैलरी 10,000 थी तो आप वड़ा पाव खाते थे विक्टोरिया टर्मिनस के बाहर, और जब आपकी सैलरी 25,000 हो जाती है ना तो मैकडी प्रिफर करते हैं आप। क्या करते हैं आप? मैकडी प्रिफर करते हैं, और आपकी सैलरी 50,000 हो जाती है तो फिर स्टारबक्स आप प्रिफर करते हैं। कभी भी आपकी सैलरी 10,000 से 25 हो जाए तो आप ढाई ढाई वड़ा पाव नहीं खाने लगेंगे, एक वड़ा पाव से ढाई वड़ा पाव, और 50,000 हो जाए तो 5 वड़ा पाव नहीं खाएंगे। ओके, आप समझ रहे हैं? जब गुड जो है, जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज करेगा, जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज करेगा तो दे विल फ्लॉक टूवर्ड्स सुपीरियर गुड्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो सुपीरियर गुड्स की तरफ चले जाते हैं। ओके, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इट्स प्राइस फॉल्स, बिल्कुल ठीक है, प्राइस अगर किसी चीज का कम होता है तो माइट इंक्रीज द डिमांड। मैं क्या बोल सकता हूं, ए वन एंड फोर ओनली, वन एंड फोर ओनली। डू यू नो वन वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, व्हेन आई गिव दिस पेपर इन 2021 आई न्यू दिस क्वेश्चन बाय हार्ट, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन किया था। कहां पर किया था? यू वोंट गेस कहां पर, ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन किया था जेएनयू के एमए एग्जाम में। जेएनयू के एमए एग्जाम में वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन आया था, इंटरनेशनल रिलेशंस का एग्जाम था, वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन आया विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। नहीं, उसके आप पीवाईक्यूज नहीं कर सकते हो, दैट इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो मेमोरी से कोई बता सकता है तो बता सकता है, तो वो है। अरे बहुत क्वेश्चंस ठीक ठाक ही है उसके, लेकिन ओके। एक और विवेक है, विवेक भारद्वाज, ही गॉट इन आई थिंक जेएनयू, है ना? जेएनयू में उसका सिलेक्शन हो गया था, आता रहता है कभी कभार क्लास में। विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
अर्बन कोऑपरेटिव, ये क्यों क्वेश्चन पूछा गया है, पीएमसी बैंक का उस समय लफड़ा चल रहा था, इफ यू गाइस रिमेम्बर, पीएमसी बैंक का ओके लफड़ा चल रहा था, तो उससे क्वेश्चन आ गया था आपसे, आपको भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको भी क्वेश्चन हो सकता है पेमेंट्स बैंक पे, वाई पेमेंट्स बैंक, पेटीएम का सिनारियो जो था ना, पेटीएम का इशू था उसके वजह से, ओके सो विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया, दे आर सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके और यहां पर क्या होता है, रीसेंट अमेंडमेंट था, ओके रीसेंट अमेंडमेंट था, सितंबर 2020 का अमेंडमेंट था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर, जिसको पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था, उसमें इसको डायरेक्ट सुपरविजन, ओके इसको क्या किया था, डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ आरबीआई के अंडर डाल दिया था. ओके एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विल बी ट्रीटेड ऑन पार विथ कमर्शियल बैंक्स, ओके एंड दे कैन इश्यू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर. तो यहां पर वहां जाके पैनिक नहीं करना है, सोचना है व्हाट डज इक्विटी शेयर मीन. अब प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी सोच कहाँ जाती है पता है, हमारी सोच पेपर को सॉल्व करने नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ ना आईआईटी की तरह सॉल्व करो पेपर को, जैसे आईआईटी के बच्चे मैथ सॉल्व करते हैं उसी तरीके से आप सॉल्व करो. अब वहीं पर पैनिक करने लगोगे, मैंने तो यार इक्विटी शेयर मृणाल सर के नोट्स में नहीं था यार, ये मुझी ने क्लास में कुछ नहीं बताया इक्विटी शेयर के बारे में, अब तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता. ये नहीं बोलना है यार, जस्ट थिंक व्हाट इज एन इक्विटी शेयर एंड व्हाट इज अ प्रेफरेंस शेयर, कैन अ बैंक इशू दिस, द आंसर इज यस, आपको पता चल जाएगा वहीं पर. इक्विटी शेयर क्या होता है, जो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होता है, देखते हैं ना ऊपर जा रहा है 300 रुपए 400 रुपए, भाई जब यहां पर आपको बेसिक दिमाग लगाना है कि अगर न्यूज आप पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट लिविंग अंडर अ रॉक, यू आर नॉट लिविंग अंडर अ रॉक, तो पेटीएम के बारे में समझा है ना कि पेटीएम का कैसे 2100 रुपए से अभी 350 हो गया है शेयर प्राइस. अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट हैं हु हैज बीन इन टच विद द न्यूज, द फाइनेंशियल सेक्शन ऑफ द न्यूज, तो समझ में आया होगा जब पेमेंट्स बैंक कर सकता है, जब पेटीएम कर सकता है एज अ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, तो व्हाई नॉट द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दे वेर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966. अरे बाप रे, ये क्या पूछ लिया. ओके, तो सबसे पहले नीचे जाओ और जब वन ओनली आपको नहीं पता है कि नहीं होगा तो उसको काट दो, और आपको थर्ड स्टेटमेंट से डील ही नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हो. अगर बेसिक आपको पता है, न्यूज आप पढ़ के गए हो, 2020 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आप पढ़ के गए हो, तो आपको पता है फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो जैसे ही आपको पता चला फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आपका आंसर आ गया. तो कभी कभार ऐसा भी होता है दैट यू डोंट हैव टू डील विद दीज हैवी स्टेटमेंट्स. अब मुझे क्या पता यार अमेंडमेंट किया था कि नहीं 1966 में, कौन देखने जा रहा है 1966 में, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, है ना. लेकिन एटलीस्ट हमें अगर फर्स्ट स्टेटमेंट पता है कि रॉन्ग है, ओके अगर वन ओनली वन पेयर, तो भाई फिर तो भगवान मालिक है. अगर ओनली वन पेयर में फंस जाएंगे आप, टू पेयर, तो फिर तो भगवान मालिक है, माई सिंपथीज विथ यू. ओके उस समय क्या करना है, फिर आप यू नो अपने अपने एपेटाइट के हिसाब से, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग कर देंगे तो कट जाएगा ना, और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट कर देंगे तो आप ओनली वन पेयर, ओनली सॉरी नन काट देंगे, नन विल नॉट बी द आंसर बिकॉज एक चीज सही है और ऑल थ्री विल नॉट बी करेक्ट. तो फिर आप जो है यू हैव टू टेक अ चांस, एज इन दिस सिचुएशन अगर तीन पेयर में से दो पेयर सॉल्व हो चुके हैं, एक पेयर का पल्ला नहीं पड़ रहा है, तो इट इज अप टू यू वेदर यू वॉन्ट टू टेक अ चांस और नॉट. ओके वेदर यू वॉन्ट टू टेक अ चांस और नॉट. लेकिन क्या ये हार्मलेस स्टेटमेंट नहीं है, दे वेर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966. यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ है, दे वेर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट थ्रू ओनली वन अमेंडमेंट,
दैट हैपेंड इन 1966 एंड नो अमेंडमेंट हैज हैपेंड सो फार, ऐसा लिखा रहता तब ये रॉन्ग होता। अभी देखिए क्या, मैं इसको गऊ स्टेटमेंट नहीं बोल सकता, दिस इज अ वेरी सिंपल सोफेस्टिकेटेड सीधा साधा स्टेटमेंट कि एक अमेंडमेंट हुआ था 66 में। तो हो सकता है भाई बहुत अमेंडमेंट हुए हैं, इतना स्पेसिफिक यूपीएससी जा रहा है, हो सकता है सही होगा, तो फिर देन यू टेक योर चांसेस। लेकिन एक्चुअली इट इज डिफिकल्ट एग्जाम रूम में जो है नेगोशिएट करना, बट हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग यहां से लेके जा सकते हैं प्रैक्टिस एरिया से, ताकि वहां पर थोड़ा दिमाग कम यूज करना पड़े, है ना। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सबसे पहले इसको हटा दो, अभी इसके बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे। एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक से तो बिल्कुल होता है कि नहीं, आपने ऑपरेशन ट्विस्ट पढ़ा है कि नहीं, तो आपको पता है कि बिल्कुल एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बॉन्ड यील्ड जो है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड, शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड, सभी इंपैक्ट होता है। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, तो क्या इन्फ्लेशन और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट से बॉन्ड यील्ड में कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? द आंसर इज यस, बिल्कुल पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, बहुत सारे लोगों ने इसको गलत करके आए, या आप हमेशा पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर, अगर पढ़ा है तो उसमें हमेशा चिल्ला चिल्ला के क्या लिखते हैं, यूएस फेड टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, है ना, यूएस फेड टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। तो क्या वहां से समथिंग नोन एज रिपल इफेक्ट नहीं आएगा इंडिया में, जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इकोनॉमी, वर्ल्ड का जहां रिजर्व करेंसी रहता है, वर्ल्ड का जो जहां पर फोर्ट नॉक्स में आपको गोल्ड रिजर्व रहता है, जहां पर आपको फॉरेक्स रिजर्व रहता है, क्या उस कंट्री के एक्शन से इंडिया पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? द आंसर इज यस, थोड़ा बहुत इंपैक्ट भी पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया कि नहीं, थोड़ा बहुत भी इंपैक्ट पड़ गया तो ये स्टेटमेंट सही हो गया कि नहीं? द आंसर इज यस, तो आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3। आई स्टिल रिमेंबर सम ऑफ दी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट को रॉन्ग मान के एंड दे हैड गिवन बिटवीन बी एंड सी। ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट से ही आपको पता चल जाएगा, जब 2 और 3 करेक्ट है तो 1, 2 और 3 तो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहां पर आप समझिए एक चीज, मैंने आपको 6 क्वेश्चन अभी तक करवा दिए हैं, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का ट्रेंड क्या है, नहीं भी आता है तो कॉमन सेंस से बन जा रहा है क्वेश्चन, नहीं भी आता है, काम रहिएगा, कूल रहिएगा, तो कॉमन सेंस से बन जा रहा है, सीडीएस में नहीं बनता, सीडीएस में सामने से पूछता है, ये फैक्ट बताओ, जियोलॉजिस्ट के पेपर में सामने से पूछता है, ये फैक्ट बताओ। सीएपीएफ में थोड़ा फैक्चुअल रहता है, यूपीएससी में हमेशा कंसेप्चुअल रहेगा। तो ये जो डरा रहे हैं लोग कि यू नो सीडीएस में तो जीएसटी पूछ लिया डायरेक्ट और मेरे नोट से है, अब मेरे नोट्स जो है आप पढ़ लीजिए, तो फिर आप उनको क्या ही बोलिएगा, इजंट देयर अ डिफरेंस बिटवीन सीडीएस एंड योर यूपीएससी सीएससी, देयर इज अ वेरी स्टार्क डिफरेंस ना, सीडीएस का मेन कंपोनेंट एसएसबी है, सीडीएस का मेन कंपोनेंट एसएसबी है, यूपीएससी का मेन कंपोनेंट उसका पेपर एग्जामिनेशन है, तो डिफरेंस है कि नहीं, डिफरेंस होगा कि नहीं दोनों में, द वे द पेपर इज सेट। यहां पर कूल रहिए, काम रहिए, कलेक्टेड रहिए, यू विल बी एबल टू सॉल्व आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट 7 इन द इन इकोनॉमिक्स। ओके, ये चीज मे बी पॉसिबल नहीं है दूसरे सब्जेक्ट्स में, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, लेकिन आई विल से कि पॉलिटी और नॉट पॉलिटी, पॉलिटी में भी यू नीड नीड नॉलेज, इकोनॉमिक्स इज द वन सब्जेक्ट जहां पर आप अगर कूल रहिएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर आते हैं, इसमें पूछ रहा है एफडीआई में कौन काउंट होता है, तो एफडीआई और एफआईआई के बारे में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, आप याद करेंगे क्लास में हमने बहुत डिफरेंस हमने डिटेल में डिस्कस किया था, अगर याद होगा आपको। ठीक है, सो एफडीआई, एफडीआई और एफआईआई में अगर डिफरेंस अगर यहां पर देखना है, तो इसमें से क्या कंसिडर होगा, एफडीआई में फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ओके, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस,
ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट। ओके, तो इसमें जो है आप देख सकते हैं ऑल नहीं होगा इसका आंसर। सबसे पहला फैक्ट हम ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं, सबसे पहला फैक्ट क्या हम ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि ऑल नहीं होगा, तो इसमें से कुछ ना कुछ गलत होगा। तो यहां पर देखिए कि विच इज द ऑड वन आउट, विच इज दी ऑड वन आउट बिटवीन द टू, सॉरी बिटवीन द फोर, फोर्थ वाला नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, क्या आप उसको करेंगे एफ 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 आई एफ डी आई में? अपने ही कंट्री के लोग एक्सटर्नल डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या वो FDI में काउंट होगा? NRI अकाउंट, क्या उसमें NRI पैसा डाल रहा है? नॉन रेसिडेंट पैसा डाल रहा है तो क्या ये FDI में काउंट करेंगे आप NRI का पैसा? NRI का पैसा किसके लिए है? हम उसमें काउंट करेंगे, किसमें काउंट करेंगे? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में कैलकुलेट करेंगे, है कि नहीं? तो ये गलत हो जाएगा। चौथा गलत कीजिएगा तो आपको दो ऑप्शन आएगा। तो मैं क्यों ना मान लूं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का कंडीशन मैं क्या लगा दूं कि 5 साल तक लॉक इन रहेगा, 10 साल तक लॉक इन रहेगा? तो द मोमेंट मैं इस टाइप का कंडीशन लगाऊंगा, क्या वो FDI में नहीं माना जाएगा? लॉन्ग टर्म हो जाएगा वो। FDI का क्या, व्हाट इज द USP ऑफ FDI? व्हाई FDI इज प्रेफर्ड? बिकॉज इट इज लॉन्ग टर्म, बिकॉज इट इज व्हाट, इट इज लॉन्ग टर्म। आंसर विल बी ए, 1, 2 एंड 3। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है सभी को? द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली इंप्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। ऑलराइट, ठीक है, इस पे हम कुछ अभी टिप्पणी नहीं कर रहे। इंक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। भाई डिवैल्यूएशन आप कर देंगे भाई साहब तो क्या होगा? कल को आपका डॉलर, $1 वॉज इक्वल्स टू 70 रुपए, आप आए डिवैल्यूएशन करके $1 इक्वल टू ₹80 कर दिया, तो क्या उससे सही में फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज होगा? द आंसर इज नो। विल इट इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस नेसेसरीली? क्या वो ये नेसेसरीली ट्रेड बैलेंस को इंप्रूव करेगा? आप इंडिया के बारे में सोचिए कि भाई एक्सपोर्ट हम करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट बिल हमारा बहुत हैवी है बिकॉज हम एक एनर्जी पुअर कंट्री हैं, तो क्या इंपोर्ट बिल भी नहीं भागेगा? तो इट विल नॉट नेसेसरली इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस। ओके, दूसरी चीज क्या है कि देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इट विल इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस, ये नहीं बोल रहा बिकेगा, ये नहीं बोल रहा है ट्रेड वैल्यू बढ़ गया, ये नहीं बोल रहा है शेयर ऑफ एक्सपोर्ट विल ड्रामेटिकली जंप। सिंपल सी बात बोल रहा है कि आपके एक्सपोर्ट जो है कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। द आंसर इज ट्रू, सस्ते होंगे ना, जब आप डिवैल्यू कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपके एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, ये तो नहीं बोल रहा बिक ही जाएंगे, यहां पर बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट कह रहा है कंपिटिटिव हो जाएंगे। आंसर क्या होगा इसका? वन ओनली, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सा इफेक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी हैज बीन द मेन कॉज ऑफ वरी? तो डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेस टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट लग्जरी हाउसिंग। तो क्या ये कंसर्न है, कॉज ऑफ कंसर्न है कि लोग लग्जूरियस हाउसेस खरीद रहे हैं? नहीं, सरकार तो चाहेगी ना कि रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आए, लेबर्स को जॉब मिले, है ना? उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, ये भी नहीं है। लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, नहीं। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन। सबसे सेंसिबल स्टेटमेंट चारों में, सबसे ज्यादा सेंसिबल स्टेटमेंट चारों में यही है
कि अगर ब्लैक मनी होगा तो टैक्स इवेजन होगा, टैक्स इवेजन होगा तो देर विल बी लॉस ऑफ एक्सचेकर। बाकी जो है आप इन्वेस्ट कीजिए अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में, कौन रोक रहा है आपको? लग्जरी हाउसिंग में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी बात है, इकोनॉमी बूम हो, दिस इज इंडिकेटर की इकोनॉमी इज ऑन द राइट ट्रैक। लार्ज डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टी एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, ऐसा तो कुछ नहीं है कि ब्लैक मनी से ही ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म इज दी यू नो तो दिस इज दीज आर दी कॉजेज ऑफ वरी माइट बी, बट दे आर दे द मेन कॉज ऑफ वरी। आपको मेन कॉज निकालना है कि चारों में से मेन कॉज कौन सा है। इज इट क्लियर नाउ? क्या ये क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी अपने इफेक्ट में कौन होगा? तो इन्फ्लेशनरी, दिस इज अ प्रीवियस ईयर डायरेक्ट क्वेश्चन, यूपीएससी ने 2-3 साल पुराना क्वेश्चन जो है उठा के आपको चिपका दिया है। तो आंसर इज क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फिनेंस ए बजट डेफिसिट। हेलीकॉप्टर मनी का याद है, हमने हेलीकॉप्टर मनी का कंसेप्ट पढ़ा था है ना? तो जो एड वगैरह देती है हेलीकॉप्टर मनी, यूबीआई हो गया, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, या इस टाइप का पैसा शावर करती है, तो फिर उसमें सबसे बड़ा एक प्रिंटिंग मनी, प्रिंटिंग मनी तो क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, पिछले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रिंटिंग मनी था ऑप्शन, तो यहां पर हाइपर इन्फ्लेशन को लीड कर सकता है क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। जब आप न्यू मनी क्रिएट करते हैं तो उससे क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन कैन प्रेजेंट। ओके, दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी विल इंक्रीज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मनी मल्टीप्लायर जो है इकोनॉमी में किससे इंक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर बढ़ेगा, तो मनी मल्टीप्लायर मैंने क्या बताया था, कितना पैसा दे आर एबल टू यू नो गिव टू द पब्लिक, बैंक्स जो है के पास कितना पैसा रहेगा जो कि देगा, तो मनी मल्टीप्लायर तो कम होगा इससे। इंक्रीज इन एसएलआर, मनी मल्टीप्लायर कम होगा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, में पॉपुलेशन कितना भी हो जाए अगर बैंकिंग हैबिट नहीं सुधरेगा, बैंकिंग हैबिट मतलब क्या हो जाएगा, आप पैसा जाके जमा कर रहे हो तो बैंकिंग हैबिट सुधरेगा तो क्या होगा, पैसा आएगा सिस्टम में, फिनेंशियल सिस्टम में पैसा आएगा। इज इंट दिस ए डायरेक्ट रामिफिक डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल? द आंसर इज ट्रू, सी होगा इसका आंसर, यस और नो? क्लियर है? विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? डिमांड पुल, तो एक होता है सप्लाई साइड, एक होता है डिमांड पुल। तो डिमांड पुल मतलब, डिमांड के साइड से आप पुल करोगे, मतलब कंज्यूमर साइड, कंज्यूमर के पास पैसा ज्यादा आएगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो कंज्यूमर्स के पास इसमें से पैसा कहाँ ज्यादा आएगा? कंज्यूमर के पास पैसा एक्सपेंशनरी पॉलिसी में आएगा, यस, जब सरकार एक्सपेंशनरी पॉलिसी परस्यू कर रही है तो पैसा ज्यादा आएगा, फिस्कल स्टिमुलस के समय ज्यादा पैसा आएगा। जब फिस्कल स्टिमुलस, तो क्या करोगे, फिस्कल स्टिमुलस में यू गिव पैसा, यू डू रेट कट्स, है कि नहीं? इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, इन्फ्लेशन के साथ आपके वेजेस बढ़ रहे हैं, ओके। हायर परचेजिंग पावर, फोर्थ इज करेक्ट, थर्ड को अभी रोक रोक दो, 1, 2 और 4 करेक्ट है। एंड देन राइजिंग इंटरेस्ट रेट, तो क्या राइजिंग इंटरेस्ट रेट से पॉसिबल है? राइजिंग इंटरेस्ट रेट से तो क्या आप लोन नहीं ले सकते? नो लोन, तो इससे नहीं होगा। 5 में काट देता हूं तो मेरे पास हो जाएगा। अब यहां पर देखिए थर्ड वाला, आपकी सैलरी 10,000 है और आपका खर्चा 500 रुपए है, 5,000 कर लो, सॉरी, 10,000 की सैलरी पे 5,000 खर्चा है और इन्फ्लेशन की वजह से ये 5,000 का खर्चा 10,000 हो गया और आपकी सैलरी 20,000 हो गई, ओके। सो आर यू एबल, आपका खर्चा तो उतना ही हुआ ना, नहीं 20,000 नहीं, 15,000, दैट विल बी बेटर, आपका सेविंग्स तो उतना ही हुआ ना,
इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग हुआ वेजेस का, 5,000 अगर बढ़ा, 5,000 अगर आपका खर्चा बढ़ा तो 5,000 सैलरी बढ़ गया, फिर 10,000 खर्चा बढ़ा तो 10,000 सैलरी बढ़ गया। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन को ट्रैक कर रहा है आपका वेजेस, तो क्या उसमें कोई फर्क पड़ा आपको? उसमें कोई फर्क पड़ा आपको? इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग जो है वेजेस का, उससे आपको कोई फर्क पड़ा कि अगर 10,000 पहले आप कमा रहे थे और 5,000 खर्चा था, खर्चा आपका 10,000 तक बढ़ गया और आपका वेजेस 15,000 हो गया, तो कितना सेविंग्स है आप? कितना सेविंग्स है दोनों सिचुएशन में? 5,000। तो कोई आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इंपैक्ट पड़ा? आपकी सैलरी बढ़ी इन्फ्लेशन के हिसाब से, लेकिन आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कुछ इंपैक्ट पड़ा? सेम ही हुआ ना, तो क्या मैं इसको काट सकता हूँ? दैट ओके, दिस विल नॉट लीड टू डिमांड साइड इन्फ्लेशन, बिकॉज सेविंग्स अगर मेरे पास उतनी ही है और मैं उतना ही डिमांड कर रहा हूं, तो फिर फायदा क्या? 1, 2 एंड 4 आंसर ये होगा, 1, 2 एंड 4 ओनली। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन द प्राइमरी मार्केट। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑल राइट, CDSL इज जॉइंटली प्रोमोटेड बाई RBI एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो फाइनल स्टेटमेंट देखिए, फाइनल स्टेटमेंट, इज इट ट्रू? हमने NDSL और CDSL के बारे में पढ़ाई की थी, अगर आपको याद हो, NDSL और CDSL के बारे में, क्या ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रमोट करता है? गलत, ये सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओके, इनिशियली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किया था, और उसके बाद इसको सर्टिफाई कौन करता है? सेबी। इसको सर्टिफाई कौन करता है? सेबी करता है, ठीक है? तो यहां आरबीआई का काम है ही नहीं, शेयर मार्केट वाले सिचुएशन में आरबीआई नहीं, सेबी काम करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट जैसे ही मैं रॉन्ग करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन आएगा। फर्स्ट इज नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ओके, सो दिस इज एक्चुअली ट्रू, ये करेक्ट है, ओके। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर थ्रू देयर डीमैट, बिल्कुल कर सकते हैं, जीसेक मार्केट में अपने जो डेट बॉन्ड्स वगैरह है उसमें बिल्कुल कर सकते हैं। आंसर क्या होगा इसका? 1 एंड 2 ओनली। ओके, तो 14 क्वेश्चन हमने किए, सारे डुएबल थे। यहां पर एक फाइनल क्वेश्चन देख लो। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, इसका मतलब क्या होता है? लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडी व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्स। क्या करता है आरबीआई? आरबीआई क्या ये काम करता है? फैक्ट्रीज को पैसा देता है, एमएसएमईज को? नो। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस। रेपो रेट किसके लिए? रेपो रेट किसके लिए? लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फिनेंस बजेटरी डेफिसिट, करता है? करता है, लेंड करता है क्या सरकार को पैसा बजेटरी डेफिसिट के लिए? नहीं करता। सरकार कहां से पैसा उठाती है? सरकार कहां से पैसा उठाती है? बॉन्ड्स के थ्रू। बॉन्ड्स फैसिलिटेट करता है, हेल्प कर देगा बॉन्ड्स बेचने में, लेकिन क्या आरबीआई बॉन्ड खुद सरकार से परचेज करके, सरकार आरबीआई के पास पैसा कहां से आएगा? जब सरकार के पास पैसा नहीं तो आरबीआई के पास कैसे पैसा है? अब यहां पर मुझे एक चीज बताइए, आरबीआई को सरप्लस प्रॉफिट ट्रांसफर करना नेसेसरी है, इज इट ट्रू और नॉट? सरप्लस प्रॉफिट जो है आरबीआई का, उसको ट्रांसफर करना नेसेसरी है? आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है, इट्स अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। इट इज वॉट? इट इज ए स्टैट्यूटोरी ऑब्लिगेशन। आंसर क्या होगा? 2 ओनली, प्लीज रिमेंबर दिस, 2 ओनली आंसर होगा। ये करेक्ट है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स
हु आर हैविंग ए टेम्पररी क्राइसिस। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस माइट हैव, टोटल 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 14 क्वेश्चंस रहते और डुएबल हैं। आई विल से कि उसमें से 14 में से एटलीस्ट 12 डुएबल हैं। व्हाट डू यू गाइस से, 14 में से 12 क्वेश्चन डुएबल थे। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द 2022 पेपर, 2022 के पेपर के बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, इसको अलग वीडियो बना देते हैं, व्हाट डू यू गाइस से।